आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के मानदेय से जुड़ी पूरी खबर के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बहनों, जो सबसे पहली खबर आ रही है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर, झाबुआ जिला तथा जबलपुर से आ रही है। यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों पे मानदेय आने की खबर है, क्योंकि कुछ बहनों का व्हाट्सएप पे भी हमको मैसेज आया है, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि सर, हमारे यहाँ जो है कि हम लोगों का जो मानदेय का मैसेज आया है उनके खाते में, वह 4500 रुपए का है। जी हाँ, मतलब 4500 करके तीन बार उनके खाते में मानदेय आया है। अब हालांकि इन अगर तीनों राशियों को मिलाया जाए, आंगनबाड़ी बहनों के जो खाते में क्रेडिट हुई है, जो मानदेय का पैसा आया है, तो इसको मिला के 13500 रुपये होते हैं। जबकि 13000 रुपये ही शासन के द्वारा जो है कि मानदेय को बढ़ाया गया है बहनों का। तो अब यह जो 500 रुपये एक्स्ट्रा वाला है, यह किस चीज़ के लिए आया है, या फिर यह 13500 रुपये का जो भी हिसाब है, उसको तो हम अगली वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि हम पता करके आपको बताएंगे कि 13 के जगह 13500 इस बार कैसे आया। हालांकि इन जिलों के कई आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनके में तीन बार 4500 रुपये क्रेडिट हुआ है, मतलब 13500 रुपये इनके आंगनबाड़ी मानदेय वाले खाता में आया है। तो 4500 का जो यह मैसेज है यहाँ के कई जिलों में आया है। अगर बहनों, आप लोगों का मानदेय आ गया हो और आपका भी मैसेज आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में आपका मानदेय का कितना पैसा आया है। अब इसी के साथ बहनों, मानदेय के अलावा भी कुछ और मुख्य खबरों में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका मानदेय टिका हुआ है, जो कि आपके मानदेय के पैसे को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर की। आज हम सभी कार्यकर्ताओं को बता दें कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर में THR की एंट्री करना है। अब आप लोगों को हम यह भी बता दें कि तीन मंगलवार जो होते हैं बहनों, महीने के जो तीन मंगलवार होते हैं, उसमें आप लोगों को THR की एंट्री ही करना है। जी हाँ, जो तीन मंगलवार होते हैं शुरू के, उसमें आपको THR की एंट्री करना है। और जो अब बचा हुआ चौथा मंगलवार है, या फिर किसी किसी महीने में पांच मंगलवार होते हैं, तो जो लास्ट का चौथा पांचवा मंगलवार है, उसमें आपको HCM भरना है। HCM मतलब जो आपका गर्म ताज़ा भोजन होता है, मतलब शुरू के तीन मंगलवार टेक होम राशन THR रहेगा, चौथा मंगलवार आपका जो है कि HCS रहेगा, मतलब कि गर्म ताज़ा भोजन रहेगा। अगर हम बात करें बहनों इस माह का, तो इस माह में कुल 25 दिन की एंट्री करना है। जी हाँ, आपको न 24 दिन की करनी है, न 23 दिन की, ना ही 26 दिन की, आपको इस महीने कुल 25 दिन की एंट्री करनी है। तो आप इस हिसाब से एंट्री करिएगा हर मंगलवार को कि 25 दिन की ही आपकी एंट्री हो। आप लोगों को महीने में, यहाँ पे बहनों एक और भी मुख्य खबर है, वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महीने में मतलब जिन कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण या मंगलवार की एंट्री नहीं की है, मान लीजिए बहनों किसी भी कारणवश आपको, या फिर जानकारी ना होने के अभाव में, अगर आपने टीकाकरण या मंगलवार की जो एंट्री होती है, जैसे अभी तीसरा मंगलवार बीत गया जिसमें अन्न प्राशन दिवस था, तो या फिर आपके आंगनबाड़ी केंद्र में अगर मंगलवार या बुधवार को टीकाकरण है, तो जिस भी दिन का वह मंगल दिवस हो या टीकाकरण हो, वह डेट के साथ आपको पोषण ट्रैकर में एंट्री कर देनी है। पोषण ट्रैकर आप खोलेंगे, उसमें सबसे नीचे किनारे में आपको अधिक लिखा हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों की इंग्लिश भाषा में सिलेक्ट है, तो उनके में वहाँ पर मोर दिखाई देगा। आप उस अधिक में क्लिक करेंगे तो आपको घटनाएं मिलेगा, घटनाओं पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको THR की एंट्री करने के लिए भी VSHND का रहता है, और वहाँ पे मंगल दिवस की एंट्री करने के लिए भी CBE करके लिखा रहता है ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करके मंगल दिवस की जो भी आपका कार्यक्रम हो उसकी एंट्री आपको करनी है। तो जो लोग टीकाकरण और मंगलवार की एंट्री नहीं की है, कार्यकर्ता बहने पोषण ट्रैकर में, वो कार्यकर्ता है पोषण ट्रैकर में आज ही एंट्री उस चीज़ की कर दें। यहाँ तक कि आप लोग पोषण ट्रैकर की सारी एंट्रियाँ कंप्लीट कर दें। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मंगल दिवस हो गया, ग्रह भेद भी आपको समय समय पर भरना ही पड़ता है, उसकी एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी।
आंगनबाड़ी की ओपनिंग हो गई, THR की जो भी सारी एंट्रियां हैं वह आपको करनी है। आंगनबाड़ी ओपनिंग से ही आपका मानदेय जनरेट होता है और वजन आप लोगों को 100% भरना है, क्योंकि वजन आप लोगों का 100% इसलिए होना है क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है। हम आपको बता दें आज 19 तारीख हो गई, 20 तारीख आपका लास्ट डेट है, तो आप लोग 100% आप अपना मानदेय भर दीजिए, वजन भर दीजिए 100%, जिसकी वजह से आपका जो मानदेय है बहनों वह जनरेट हो सके। अब यहाँ पे बहनों अगर हम सैम मैम वाले बच्चों की भी बात करें थोड़ा सा, कि अगर सैम मैम वाले बच्चे आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत हैं, मतलब कि कुपोषित बच्चा और या फिर अति कुपोषित बच्चा अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत हैं, तो उनका आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। वह रजिस्ट्रेशन आपको संपर्क ऐप में करना है, और संपर्क ऐप में जो बहनों पहले से सैम या मैम वाले बच्चे फीड हैं उनका आपको फॉलो अप भी करना है। अब यहाँ पे फॉलो अप वाला मैं सिस्टम बता दूँ कि जो भी कुपोषित या अति गंभीर कुपोषित वाले बच्चे हैं उनको आपके द्वारा जब NRC में भर्ती कराया गया है तो आपको संपर्क ऐप में उसके 4 सप्ताह के फॉलो अप का दिखाई देगा। 4th फॉलो अप तक आपको करना है, बच्चा जैसे ही सामान्य हो जाए तो फॉलो अप के दौरान उसको भी आखिरी में आपको सामान्य ही कर देना है, और अगर बच्चा सामान्य न हो तो फिर आपको सामान्य वहाँ पे ज़बरदस्ती का नहीं दर्शाना है बहनों। तो मैम सैम की फीडिंग और बच्चों का जो फॉलो अप है वह आपको वहाँ पे कर देना है। तो बहनों यहाँ पे आपका जो पोषण ट्रैकर की जितनी भी एंट्रियाँ थी, चाहे वजन है 100% आपको करना है 20 तारीख के अंदर, ग्रह भेंट मंगल दिवस है, आंगनबाड़ी की ओपनिंग है, THR की सारी एंट्रियां आपको कंप्लीट कर लेनी है। यह कैसे करनी है यह हमने आपको ऊपर पहले भी बता दिया था। टीकाकरण मंगलवार की एंट्री जिन बहनों ने नहीं की है वह एक बार कर लेंगी। यहां पे हम आपको बताए थे कि सभी कार्यकर्ताएं पोषण ट्रैकर में जो THR की एंट्री है 3 मंगलवार आप लोगों को कर देनी है, और 4th मंगलवार आपको गर्म ताज़ा भोजन कर भरना है और 25 दिनों तक भरना है 25 दिन का। तो बहनों 4500 रुपये करके 3 बार कई आंगनबाड़ी बहनों के खाते में मानदेय आ चुका है। आपके खाते में कितना मानदेय आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर मानदेय कम आया है तो, और जिन बहनों का मानदेय अभी तक नहीं आया है वह भी कमेंट ज़रूर कर देंगी। तो बहनों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा, और वीडियो को सबसे बड़ी चीज़ आपको व्हाट्सएप स्टेटस आंगनबाड़ी ग्रुप या जो भी आंगनबाड़ी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पे आप लोगों को वीडियो को शेयर बहनों ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। तो बहनों इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहनों नमस्कार।